हेलो टू एवरीवन, दिस इज अक्षय चौधरी एंड वेलकम टू आवर फिटनेस यूट्यूब चैनल ग्रेट फिट। आज हम बेसिकली बात करेंगे हैवी वेट वर्सेस लाइट वेट के बारे में। हैवी वेट और लाइट वेट के बारे में जानने से पहले आपको जो समझना है वो ये है कि हमारी बॉडी या मसल्स बनती कैसे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि जिम में जाकर ही बॉडी बनती है, बहुत से लोग बोलते हैं हैवी वेट करने से ही बॉडी बनती है, लाइट वेट करने से ही बॉडी बनती है, बल्कि ऐसा नहीं है। बॉडी बनती है हमारी मसल्स को अच्छे से ट्रेन करने के बाद। मसल्स को नहीं पता होता कि हम जिम में वर्कआउट कर रहे हैं या हैवी वेट से वर्कआउट कर रहे हैं, लाइट वेट से वर्कआउट कर रहे हैं। उसको क्या पता होता है? उसको पता होता है कि उस पर टेंशन कितनी पड़ रही है। जब मसल्स पर अच्छे से टेंशन डलती है, जब उस पर उसको हम अच्छे से टियर करते हैं, तो प्रॉपर रेस्ट के बाद, प्रॉपर रिकवरी के बाद और अच्छा न्यूट्रिशन मिलने के बाद वो दोबारा से ग्रो होती है और रिबिल्ड होती है। इस तरीके से हमारी मसल्स बनती हैं। तो हैवी वेट और लाइट वेट का क्या रोल होता है मसल्स बनाने में, या कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा तरीका है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सिंपल सी चीज़ जो आपको समझनी होगी वेट्स के बारे में, हैवी वेट हो लाइट वेट हो या मसल्स के बारे में, कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं फिजिकली तो हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती है, और उस इन्वॉल्वमेंट में दो ही तरीके की मूवमेंट होती है। एक तो मसल्स स्ट्रेच होती है और एक स्क्वीज होती है। आप अपनी नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी मूवमेंट उठा लीजिए, बेशक वो नीचे बैठकर उठना हो या फिर नॉर्मल कोई भी काम करना हो फिजिकली, उसमें आप देखेंगे एक बार मसल स्ट्रेच हो रही होगी और एक बार स्क्वीज हो रही होगी, तभी हम कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं। अब इन्हीं दोनों मूवमेंट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने मसल फाइबर्स को टियर करते हैं, और मसल को बनाने में इस तरीके से एक्सरसाइज का मेन रोल हो जाता है। नॉर्मल आप कोई भी एक्सरसाइज उठाएंगे, जैसे बाइसेप्स कर्ल्स, इसमें आप देखेंगे जब हम नीचे जा रहे हैं तो मसल हमारी क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है, स्ट्रेच मतलब खींच रही है, और जब ऊपर आ रहे हैं तो हमारी मसल स्क्वीज हो रही है, इसका मतलब सिकुड़ रही है। तो इन्हीं दोनों मूवमेंट के हेल्प से हम अपने मसल फाइबर्स को टियर करते हैं। और किसी मूवमेंट में देख लीजिए, बेंच प्रेस कर रहे होते हैं, जब भी हम नीचे जा रहे होंगे तो मसल स्ट्रेच हो रही होगी, और जब भी ऊपर आ रहे होंगे तो मसल स्क्वीज हो रही होगी। तो इसी खींचने और सिकुड़ने की मूवमेंट से ही हमारी एक्सरसाइजेस बनती है। जो खींचने वाली मूवमेंट होती है उसको हम साइंस की भाषा में इसेंट्रिक लोड बोलते हैं, और जो सिकुड़ने वाली मूवमेंट होती है उसको हम साइंस की भाषा में कंसेंट्रिक लोड बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जिम जाएंगे, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। आप बाइसेप्स कर्ल्स करेंगे या कोई भी मूवमेंट करेंगे, उसमें थोड़ा सा वेट एक्स्ट्रा रखेंगे, जितना आप नॉर्मली चलाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना। आप उसमें देखेंगे कि क्या होगा, आपको बाइसेप्स कर्ल्स में ऊपर ले जाने में उस वेट को थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट आप नीचे उसी वेट को कंट्रोल मोशन में ला सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि हम जब भी सिकुड़ने वाली या कंसेंट्रिक लोड वाली मूवमेंट होती है उसमें हम वेट कम चला पाते हैं, किसके मुकाबले, इसेंट्रिक लोड। इसेंट्रिक लोड मतलब जब भी खींचने वाली मूवमेंट होती है, तो खींचने वाली मूवमेंट में हम ज़्यादा वेट ले सकते हैं। तो अब आप अगर ये समझ जाएंगे कि अगर हम इसेंट्रिक लोड यानी खींचने वाली मूवमेंट को कर रहे हैं तो वेट थोड़ा सा हम ज़्यादा रख सकते हैं, फोकस अगर हमारा इसेंट्रिक लोड पर है, वहीं अगर हमारा फोकस कंसेंट्रिक लोड पर है मतलब सिकुड़ने वाले मूवमेंट पर है, तो उसमें हम वेट कम रखना पड़ेगा। अब अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, अलग अलग रोल्स होते हैं उनके। बहुत कम एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिसमें हम दोनों मूवमेंट्स पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं। दोनों मूवमेंट्स का मतलब है इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक लोड। जैसे सपोज आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, बेंच प्रेस में जब भी आप नीचे जाएंगे तो इसेंट्रिक लोड मतलब मसल्स पर खिंचाव अच्छा आ जाएगा, बट बेंच प्रेस में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कंसेंट्रिक लोड भी बहुत अच्छा हो पाए। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों हाथ दूर रहते हैं और चेस्ट मसल में कंसेंट्रिक लोड मतलब कि स्क्वीज करने के लिए प्रॉपर हमारे हाथों को पास आना ज़रूरी होता है, तभी हमारी मसल्स अच्छे से स्क्वीज हो पाती है। वहीं आप अगर क्रॉसओवर पुली पर करेंगे चेस्ट के लिए, तो आप देखेंगे कि हमारा कंसेंट्रिक लोड बहुत अच्छे से चल पा रहा है, कंसेंट्रिक लोड बहुत अच्छे से हम कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे दोनों हाथ क्रॉस हो पाते हैं अच्छे से, तो हमारी मसल्स अच्छे से स्क्वीज हो पा रही है। एक सेम एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ट्राइसेप्स का। ट्राइसेप्स पुश डाउन आप करेंगे तो ट्राइसेप्स पुश डाउन में आप कंसेंट्रिक लोड पर ज़्यादा फोकस रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो ट्राइसेप्स की मसल होती है वो यहाँ पर अटैच होती है। अब अगर आपको ये पूरी खींचनी है मसल, तो जितना हमारा हाथ इस पार्ट से दूर जाएगा उतनी ही ट्राइसेप्स की मसल खींचेगी, बट ट्राइसेप्स पुश डाउन में ऐसा हो नहीं पाता, तो हमारा ट्राइसेप्स पुश डाउन पर इतना अच्छा स्ट्रेच नहीं आ पाता, बट स्क्वीज हम मसल्स को अच्छे से कर सकते हैं ट्राइसेप्स की। वहीं आप स्कल क्रशर करेंगे, स्कल क्रशर में हमारा स्ट्रेच बहुत अच्छे से आ पाता है ट्राइसेप्स पर, हम पूरे अच्छे से उसको स्ट्रेच कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हाथ ऑलरेडी पीछे गए हुए होते हैं उसमें, तो हमारा ये पार्ट अच्छे से खींच पाता है। वहीं स्कल क्रशर में हम इतने अच्छे से स्क्वीज पर ध्यान नहीं दे पाते। तो बेसिकली हर एक एक्सरसाइज का अलग रोल है। अगर आपको ये पता चल गया कि किस एक्सरसाइज में कितना वेट उठाना है,
ये पॉसिबल है कि आप ज्यादा वेट उठा लेंगे, बट उस वेट उठाने का फायदा इसलिए नहीं होता कि हमारी दूसरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाती है। जिस मसल को आप टारगेट कर रहे हैं उस मसल के लिए अगर वो वेट नहीं है, वो मसल कैपेबल नहीं है उस वेट को उठाने के लिए, तो दूसरी मसल्स इन्वॉल्व होंगी। अब दूसरी मसल्स इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि उस मसल को टारगेटेड मसल पर अच्छे से इम्पैक्ट नहीं आएगा, और फिर उससे क्या होगा, हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो अगर आप आइसोलेटेड मूवमेंट्स कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर मसल पर को अच्छे से टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेट कम चलाना है ज़्यादा चलाना है। उसका सिंपल सा लॉजिक है कि आप मसल को अच्छे से स्ट्रेच करा रहे हैं या स्क्वीज़ करा रहे हैं। स्ट्रेच में वेट हम ज़्यादा चला सकते हैं, स्क्वीज़ में वेट हम थोड़ा कम रखते हैं। और ये अलग अलग गोल्स भी होते हैं लोगों के। अगर जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं वो एक मसल से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं होती, आइसोलेटेड मूवमेंट्स नहीं होती स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, तो वो दूसरी मसल्स की हेल्प से वेट को उठा सकते हैं, वहाँ सिर्फ मतलब होता है वेट को उठाना। बट अगर आपका गोल है कि पर्टिकुलर मसल को अच्छे से टोन करना है, अच्छे से उसको टारगेट कर अच्छे से उसको बिल्ड करना है, तो उसके लिए आपको चीज़ समझनी होगी कि लाइट और हैवी वेट दोनों हेल्प करते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कब लाइट वेट चलाना है, कब हैवी वेट चलाना है। तो लास्ट में अगर मैं इस वीडियो को समराइज करता हूँ, तो सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझनी होगी, लाइट वेट वर्सेज हैवी वेट में दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप हैवी वेट लगा रहे हैं किसी भी एक्सरसाइज में, तो आपको सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है कि आप उसमें कंसेंट्रिक लोड इतने अच्छे से नहीं डाल पाएंगे। ईसेंट्रिक पर ज़्यादा फोकस रखिए और रैप्स थोड़े से कम रखिए। बेशक आपको कंसेंट्रिक लोड में किसी की हेल्प लेनी पड़े, जो थोड़ा बहुत चीट करना पड़े, वो नॉर्मल होता है, बट आप ईसेंट्रिक लोड अच्छा चलाएंगे, बहुत कंट्रोल चलाएंगे। वहीं आप अगर लाइट वेट के साथ कर रहे हैं तो थोड़े रैप्स ज़्यादा रखिए, उसके साथ साथ कंसेंट्रिक लोड पर ज़्यादा अच्छे से फोकस कीजिए, मतलब कि अपने मसल को स्क्वीज़ करने पर, सिकुड़ने पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जो हेल्प करेगी आपको पर्टिकुलर मसल को अच्छे से ट्रेन करने में। मैंने जितनी भी पुरानी वीडियोस डाली हैं उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक एक्सरसाइज का रोल बता पाऊँ कि इसमें आपको फोकस किस पर रखना है, स्क्वीज करने पर रखना है या स्ट्रेच करने पर रखना है। तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रॉपर पुश पुल लेग्स के बारे में बता रखा है, उसका मैंने प्रॉपर चार्ट दिया है जिसमें मैंने फोकस बता रखा है कि किस चीज़ पर करना है, आपको स्क्वीज करने पर करना है या स्ट्रेच करने पर करना है। उसमें मैंने ये भी बताया है कि आपको वेट ज़्यादा लगाना है या कम लगाना है। आई होप थोड़ी सी चीज़ें मैं क्लियर कर पाया हूँ इस वीडियो के थ्रू कि लाइट वेट या हैवी वेट कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ी सी नॉलेज की बात है, आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी चीज़ इंक्लूड करनी है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।